हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, मैं ज्योग्राफी का फोर्थ टेस्ट लेके आ चुकी हूँ। इससे पहले हमने इनसाइट्स के 3 टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा तो वो देख सकता है प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द सिस्मिक वेव्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइमरी वेव्स आर एनालॉगस टू लाइट वेव्स इन देयर मूवमेंट। देखो, साउंड वेव्स की तरह होती है, ना कि लाइट वेव्स की तरह, तो स्टेटमेंट गलत होगी। सेकेंडरी वेव्स कैन पास ओनली थ्रू लिक्विड मैटर। देखो, सॉलिड मटेरियल से पास होते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। सर्वेस वेव्स कवर्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द सिस्मिक, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। कंसीडर फॉलिंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म एक्सक्लूसिवली ओवर द सी, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन्स हैं वो लैंड और सी दोनों पे बन सकते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म इन द मिडल और हाई लैटिट्यूड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट्स, ये बात भी सही है। द साइज ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज लेसर देन दैट ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, ये बात बिल्कुल सही है। द प्लेन इंक्लूड्स द डेल्टा टू महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बात भी सही है। चिल्का, पुलिकट, वेम्बानंद एंड कोलेरी रेक्स आर सिचुएटेड इन द कोस्टल प्लेन। देखो गाइस, ये जो वेम्बानंद है वो हमारा किसमें पड़ जाता है, केरला में पड़ जाता है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे चिल्का, पुलिकट और कोलेरू पड़ता है, वेम्बानंद नहीं पड़ता, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द वोल्केनोस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच लावा, एश, रॉक्स एंड गैसेस, बिल्कुल बात सही है। वोल्केनोस अक्रॉस द वर्ल्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द एजेस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। देखो, ओनली ऑन द एजेस ये बात गलत होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे ये मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन मोस्टली टेक्टोनिक प्लेट्स पे होता है, ठीक है। बैरन आइलैंड एंड नरकोंडम आइलैंड आर तो ओनली एक्टिव वोल्केनोस इंडिया। देखो, ओनली एक्टिव हमारा सिर्फ बैरन आइलैंड है, हाँ, तो ओनली बैरन आइलैंड है जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो फर्स्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इट इज द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड एंड सेट्स द रूल्स फॉर इंटरनेशनल मेल ऑक्शन। जो कोई सेकंड ओल्डेस्ट है, इससे पहले भी एक और थी, ठीक है, वो गलत है, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। इट्स हेडक्वार्टर इन द बर्न, स्विट्जरलैंड, ये बात बिल्कुल सही है। इंडियन, पाकिस्तान आर इट्स मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू बींग, नहीं। देखो, इंडिया जो मेंबर है वो 1872 में पड़ा था, और पाकिस्तान तो भी बना ही 1947 में, तो ये तब से मेंबर है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उससे पहले से ही था, तो इससे स्टेटमेंट गलत है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी आप देखो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। जिससे पहले क्या, फर्स्ट होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट था, जो कि 1865 में आया था, ठीक है, और इंडिया ने 1876 में से ज्वाइन किया था, और पाकिस्तान ने 1947 में इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइस इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड प्रोलॉन्ग सनशाइन, ये बात बिल्कुल सही है। HT3226 इज अ न्यू वैरायटी ऑफ इंडिया जिसने डेवलप्ड राइस एंड इज मोर रेजिस्टेंस टू पैक। देखो, ये जो वैरायटी है वो वीट की है, ना कि राइस की, वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, ठीक है। फिर वट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अनकरेंस ऑफ द गिवन बिलो सिटीज वैन वन ट्रेवल्स फ्रॉम द गिर नेशनल पार्क टू काजीरंगा नेशनल। देखो, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। तो अगर आपको गुजरात से असम जाना है, तो आपको कौन कौन से स्टेट से किस हिसाब से होकर जाओगे, तो भैया आपकी खुद ही देख लो। सबसे पहले आप उज्जैन जाओगे, उसके बाद फिर आप भोपाल जाओगे, फिर आप वाराणसी होकर जाओगे, फिर पटना जाओगे। तो 2413 क्या है, बिल्कुल बात सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैन माउंट एकोनकुआ इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता भी होगा अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है। अमेजोन बेसिन इन द साउथ अमेरिका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसिन, ये भी बात सही है। एंडस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन, ये भी बात सही है। तो तीनों की तरह स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। हांगकांग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कन्वेंशन ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नो। कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, नो। कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम्स, नो। ये एनवायरमेंट से रिलेटेड था, दैट इज द कन्वेंशन फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एंड क्लोजेस्ट टू अर्थ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द हाईएस्ट ऑफ द हाइट ऑफ द लेयर इज मैक्सिमम एट द पोस्ट ऑफ द कन्वेक्शनल मूवमेंट ऑफ देयर अर्थ, नहीं, मैक्सिमम इक्वेटर पे होते, तो स्टेटमेंट गलत होगी। द एल्टीट्यूड ऑफ द लेयर इन द समर सीजन इज हायर देन इन द विंटर सीजन, ये बात बिल्कुल सही है। द लेयर कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर एंड द नो डस्ट पार्टिकल, देखो डस्ट पार्टिकल तो होंगे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। विद रेफरेंस टू द गोदावरी रिवर सिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है। इट ओरिजिनेट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र इन द वेस्टर्न घाट्स, ये बात भी सही है। द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर स्प्रेड्स ओनली ओवर थ्री स्टेट, नहीं, थ्री स्टेट्स में नहीं है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, इन सबसे होकर जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या, देखो, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पांच स्टेट से होकर जा रही है, तो तीन स्टेट से नहीं है, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली वन एंड टू स्टेटमेंट क्या, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम। माजुली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन दिस स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। दिगबोई द फर्स्ट ऑयल वेल एंड द ऑयल रिफाइनरी ऑफ द कंट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन असम, ये भी बात सही है। इट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर ओनली विद बांग्लादेश एंड भूटान, देखो ओनली लिखा, तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है।
रिसेंटली जागा मिशन वॉज अवार्डेड द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड इट्स रेफरेंस टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो जागा मिशन किसी लिए था कि कौन से स्टेट है जिन्होंने अपने स्लम्स को ट्रांसफॉर्म किया ताकि आप वहाँ पे रहने वाली जगह बना सकते हो। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर इट जागा मिशन। ओडिशा गवर्नमेंट ने जीतो, तो स्टेटमेंट गलत होगी। द एम ऑफ द जागा मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म द स्लम्स इन द स्टेट इन टू लाइवेबल हैबिटेट। ये बात बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड रिकोगनाइज एंड हाईलाइट इनोवेटिव एंड द आउटस्टैंडिंग एंड समटाइम्स रिवोल्यूशनरी हैबिटेट आइडियाज प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बात सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। विद रेफरेंस टू द टॉपिक ऑफ कैंसर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट कट्स द कंट्री इन टू एक्जैक्ट इक्वल पार्ट। देखो एक्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इस स्टेटमेंट गलत होगी। इट पासेस थ्रू द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ। देखो वेस्टर्न मोस्ट गुजरात से होकर जाती है, ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश से ही नहीं होकर जाती, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो कौन सी इनकरेक्ट है, दोनों के दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस सिल्क वैराइटीज इन इंडिया। आपको पता है सिल्क की चार वैराइटीज होती हैं और इंडिया में हमारे पास चारों की चारों है, मलबरी, एरी, तसार, मुगा। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोड्यूस होती है, हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा मलबरी प्रोड्यूस होती है, फिर एरी, फिर तसार, फिर मुगा। तो अपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, तो 4-3-2-1 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, विद रेफरेंस टू द अरेबियन सी आइलैंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लक्षद्वीप आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द मालदीव आइलैंड बाय द 8 डिग्री चैनल। ये बात बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप मालदीव से 8 डिग्री चैनल सेपरेटेड है। हिल एंड स्ट्रीम्स आर एब्सेंट ऑन दिस आइलैंड। ये भी बात बिल्कुल सही है। ड्यूगोंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ द लक्षद्वीप। भाई ये गलत है क्योंकि इसका जो स्टेट एनिमल है वो कुछ और है, फिश है एक शायद, एक सेकेंड, ब्लैक बेड बटरफ्लाई फिश है, तो ये इसका स्टेट एनिमल है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं द एरिया, एक सेकेंड, हाँ, द एरिया नोन एज द बोगनवेला अपीयर इन द न्यूज़ बुक। कहाँ पे सिचुएटेड है, सेंट्रल एशिया, हवाई, न्यूजीलैंड, सोलोमन आइलैंड। तो ये सोलोमन आइलैंड में क्या सिचुएटेड है, ये और सोलोमन आइलैंड का है, पपुआ न्यू गिनी में है, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स। दीज बैंक्स आर एस्टैब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जो ऑब्जेक्टिव इज कलेक्टिंग, स्क्रीनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डोनर ह्यूमन मिल्क एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द बाजरा। इट इज सोन इन द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। बात बिल्कुल सही है। इट इज अ हार्डी क्रॉप विच रेजिस्ट फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल्स एंड ड्रॉट। ये बात भी सही है। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। नहीं, गुजरात और राजस्थान इसके लीडिंग प्रोड्यूसर, महाराष्ट्र थर्ड पे आते, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या इसकी बिल्कुल सही है। अब आपने जरा ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी मैच करनी है। गंगा की सोन ट्रिब्यूटरी है, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र की बराक ट्रिब्यूटरी है, जमुना डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो इसके अलावा एक और भी, तो इस स्टेटमेंट गलत। इंदस की सुतलज और ब्याज, मतलब ये देखो सुतलज और ब्याज दोनों की दोनों क्या ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है ब्याज, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली वन स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी गाइस अगर आपको एक्सप्लेन डिटेल चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं ये जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉफी। कॉफी प्लांट रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये बात बिल्कुल सही है। द मेजर रोबस्टा प्रोड्यूसिंग रीजन इन द इंडिया आर वायन एंड त्रावणकोर। ये बात भी सही है। इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द कॉफी इन द एशिया। इंडिया में हम एशिया में हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और बाकी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जरूर है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सारगोसा सी इज द वास्ट एरिया ऑफ द एटलांटिक ओशन। इट इज डिफाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ एटलांटिक करंट, कैनरी करंट, नॉर्थ एटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। तो भाई चारों के चारों इसका ऑप्शन करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द जेट स्ट्रीम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेट स्ट्रीम्स आर द फास्ट मूविंग करंट्स ऑफ एरिया दैट ट्रेवल इन द ट्रोपोपॉज़। ये बात बिल्कुल सही है। द स्ट्रीम्स आर स्ट्रॉन्गर इन द विंड एंड इन बोथ द हेमिस्फीयर। तो ये बात भी सही है। द पोलर जेट स्ट्रीम एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आर ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली इन डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये बात गलत है। तो ओनली जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म टॉरीफेक्शन। देखो गाइस, ये हमने अपने करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था। ये टॉरीफेक्शन एक टेक्निक है, इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा राइस स्टबल होता है उसको हम कन्वर्ट करेंगे बायोकोल में, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए टेक्नोलॉजी दैट कैन कन्वर्ट राइस स्टबल इनटू द बायोकोल। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जो पीजोल ग्लेशियर है जो अभी मेल्टेड कंप्लीटली मेल्ट हो चुका है, ये ग्लेशियर कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, कनाडा, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड या रशिया। तो स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द कोरिओलिस। कोरिओलिस फोर्स की वजह से मतलब क्या फर्क पड़ता है, कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करता है कोरिओलिस फोर्स। लैटिट्यूड, ये बात बिल्कुल सही। आपको पता है इक्वेटर पे बिल्कुल एब्सेंट होता है, जबकि लैटिट्यूड बढ़ता रहता है तो कोरिओलिस फोर्स बढ़ता रहता है। लॉन्गिट्यूड, नहीं, लॉन्गिट्यूड का कोई रोल नहीं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट का भी रोल है, रोटेशन ऑफ द अर्थ का भी रोल है। तो तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या बिल्कुल सही है। लॉन्गिट्यूड का कोई फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कन्वर्जेंस ऑफ द वार्म एयर फ्रॉम द सब ट्रॉपिक्स एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स इज नोन एज पोलर फ्रंट। ये बात बिल्कुल सही है। द फ्रंटल सर्फेस ऑफ द कोल्ड फ्रंट इज स्टीपर देन अ वार्म फ्रंट। ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है।
विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। तो गाइज ये आप ऑप्शन को देख लो तो कौन सी होती हैं, कृष्णा, कोयना, गायत्री, वेना एंड सावित्र। तो ये आपको गाइज पता भी होना चाहिए, अगर आपने रिवर सिस्टम तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, द स्कीम इज सोलेली फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड, ये बात बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रेशन फॉर द स्कीम रिक्वायर्स एन एप्लीकेंट टू प्रोवाइड हर हस्बैंड्स आधार डिटेल्स, ये बात बिल्कुल सही। एप्लीकेंट हैज़ टू बी एटलीस्ट 19 ईयर, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रोटेटेड ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल द प्लैनेट्स हैव सीजन, सोलरसाइट एंड इक्विनॉक्सिस, ये बात अगर आप टिल्ट है तो इसका मतलब आपके जो प्लैनेट्स उसमें सीजन, सोलरसाइट, इक्विनॉक्सिस दोनों होंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट होगा, नाइदर वन नाइदर टू, कोई भी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग नेटवर्क्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग, फॉल्टिंग आपको पता ही होगा फॉल्टिंग किस वजह से होती है, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, रिफ्ट वैली, नैप्स, सिंक्लाइन, ब्लॉक माउंटेन। देखो रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन इसका एग्जाम्पल है, लेकिन जो नैप्स है वो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, जो कि कन्वर्जेंस से बनता है, और सिंक्लाइन भी उसी का एग्जाम्पल होता है फोल्ड माउंटेन का। तो ये सेकंड एंड थर्ड नहीं होगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है इसका करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीडमेंट प्लेट्यू आर द प्लेट्यू दैट बॉर्डर अ माउंटेन ऑन वन साइड एंड प्लेन और ओशन ऑन द अदर साइड, ये बात बिल्कुल सही है। टिबेट एंड प्लेट्यू इज एन एग्जांपल ऑफ पीडमोंट प्लेट्यू, नो, टिबेट एंड वेल्टू द हाईएस्ट एंड बिगेस्ट प्लेट्यू ऑन द, ये तो आपको पता ही होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। अब आपने क्या करना है, स्टेटमेंट देखो कि और बताओ कि कौन सा जो लेक का कौन से स्टेट में है वो करेक्टली मैच है। वर्थूर लेक कर्नाटका में, ये बात बिल्कुल सही है। बेलांदूर लेक तमिलनाडु, नहीं ये भी कर्नाटका में, तो स्टेटमेंट गलत होगी। दीपोर बोल असम, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है आपका करेक्ट है, बाकी जो सेकंड लेक है वो किस में है, वो कर्नाटका में ही है, ठीक है, बेलांदूर लेक। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, तो गाइस हमने सोशल इश्यूज की पीटी 365 में पढ़ी थी। इट इज अ स्टडी टू प्रोड्यूस कंपेरेबल डाटा ऑन एजुकेशन पॉलिसी एंड आउटकम अक्रॉस द कंट्री, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज हेल्ड एवरी 3 ईयर्स फॉर द ऑर्गेनाइज ऑफ OECD सिंस 2000, ये बिल्कुल सही है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द पीसा टेस्ट एवरी टाइम, नहीं भाई हमने 2009 में करा था, उसके बाद भाई हमारी बहुत बड़ी नाक कट गई थी क्योंकि हमारा हमने टॉप बॉटम से टॉप किया था। तो अब ये है कि हम 2021 में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट की बिल्कुल सही है। उसके बाद बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोरल रीफ्स आर शैलो वाटर ट्रॉपिकल मैराइन इकोसिस्टम दैट रिक्वायर डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सन, ये बात बिल्कुल सही। ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है। रीफ फॉर्मेशन इन इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, नहीं देखो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इवन दी गल्फ ऑफ कच्छ, पार्क स्ट्रीट, इनमें भी मतलब कि रील फॉर्मेशन है, तो ये भी गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है इसमें सही है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेंस, माउंटेंस जरा देखते हैं, हिमालयस, एंडीज, एल्प्स, आपने बताना है कि कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्रीज के एग्जांपल्स कौन से हैं। तो भाई ये तीनों के तीनों कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्रीज के एग्जांपल, तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोकेटेड बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, मेडिटेरियन और ब्लैक सी के बीच में कौन कौन सी कंट्री, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, तो भाई टर्की ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये मेडिटेरियन सी है हमारे, ये ब्लैक सी है, तो इनके बीच में कौन सी कंट्री है, टर्की है, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रह्मपुत्र प्लेन, द रीजन इज राउंडेड बाय द हाई माउंटेन्स फ्रॉम ऑल द, देखो वेस्ट साइड से ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कवर्ड नहीं है हिल से, तो इस स्टेटमेंट गलत होगी। इट इज अ डिपोजिशनल एंड फर्टाइल एल्यूवेबल प्लेन, ये बात बिल्कुल सही है। द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स डेट्रिटिक पैटर्न ऑफ ड्रेनेज, नहीं ये गलत है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, इट वाज फाउंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ लुजाना, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। इट कैन बैन एनी कंट्री फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक, ये बात भी सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ वाडा इज लोकेटेड इन लोसेन स्विट्जरलैंड, नहीं ये बात गलत है, जो हेडक्वार्टर है वाडा का वो लोसेन स्विट्जरलैंड में नहीं है, ठीक है। हम देख लेते हैं कहाँ पे भाई इसका, कनाडा में है जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, नेशनल वाटरवे कोटापुरम टू कोलमसर, भाई पहला ही इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जो पहला जो नेशनल वाटरवे है हमारा वो अलाहाबाद से हल्दिया में, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेशनल वाटर सदिया टू रूपरी, ये बात बिल्कुल सही है। वाटर जो 4 है वो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, ये बात भी सही है। 5 क्या है हमारा, रिवर ब्राह्मणी में है अलोंग विद मेताई, तो ये सारा, तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो गई आपकी, ये सारी बता रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटराइट सॉइल, आपको पता होना चाहिए लेटराइट सॉइल, ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं, रेड सॉइल भी, ठीक है। दिस सॉइल्स आर कॉमनली फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई अल्टीट्यूड एंड हैवी रेनफॉल, ये बात बिल्कुल सही क्योंकि लीचिंग इतना ज्यादा कर देती हैवी रेनफॉल की वजह से ही होता है। द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ दिस सॉइल इज लीडिंग ऑफ इट्स लीचिंग ऑफ द सॉइल दैट लेड्स टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, ये बात बिल्कुल सही है। मिलेट्स, शुगर केन, रबर, कॉफी एंड टी आर जनरली ग्रोन इन दिस रीजन, तो ये बात भी सही है। तो ऑल तीनों, ऑल द 3 स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement are correct with respect to extra neutral alcohol? It is a colorless food grade alcohol that does not have any impurities. ये बात बिल्कुल सही है। It contains over 90% alcohol by volume. ये बात भी सही है। It is formed from molasses that are residue of sugar cane processing. ये भी बात बिल्कुल, तीनों के तीनों statement क्या है इसमें बिल्कुल सही है। अब आपने जरा ये करना है कि
अगर नैरो बेस विद टेपर टो बेस का मतलब कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन नहीं है, इसका मतलब है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ट्रायंगुलर पिरामिड विद वाइड बेस एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, तो ये बात बिल्कुल सही है। बेल शेप्ड पिरामिड डिक्लाइनिंग नहीं, बेल शेप्ड पिरामिड इसका मतलब कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन, तो ये गलत है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल सही है। कैसे, थोड़ा अगर आपने पिरामिड ऑफ नंबर से सब पढ़ा होगा एनवायरमेंट में तो आपको पता होगा। विद रेफरेंस टू द वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेजेंट इसमें मेनली हम ग्राम पर वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द पर यूनिट वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी बात बिल्कुल सही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर एट अ गिवन टेम्परेचर कंपेयर टू व्हाट एयर कुड होल्ड एट दैट टेम्परेचर, ये भी बात सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। हम चलिए देख लेते हैं ओशनिक करंट देखने कौन कौन से रीजन में आते हैं। पेरुवियन करंट साउथ पैसिफिक ओशन में, बिल्कुल सही है। अगुलास करंट नॉर्थ इंडियन ओशन, नहीं भाई ये ना साउथ इंडियन ओशन में आती है, आप ओशन करंट्स पढ़िए आपको पता चल जाएगा। कुरोशी करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। बेंगुलिया करंट साउथ अटलांटिक ओशन में, ये बात बिल्कुल सही। तो ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ क्या हमारी करेक्ट है, बाकी सेकंड हमारी गलत है। देखो आप देख भी सकते हो जो ये कुरोशी करंट है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, ये अगुलास साउथ इंडियन ओशन में चला गया, ठीक है। ये बेंगुला फिर ये चला गया साउथ अटलांटिक ओशन में, और जो पेरू करंट है ये साउथ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो ये आपने दिखाया भी हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनलैंड पोर्ट ऑफ इंडिया, फरक्का कोलकाता हल्दिया कांडला। देखो फरक्का कोलकाता हल्दिया कांडला नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है इसमें राइट आंसर है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ हिमालयस हैविंग एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन 3000 to 4000 मीटर्स। अब आप देख लो भैया कितनी मीटर ऊपर चली गई तो कौन सी वेजिटेशन हो सकती है। द इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर सिल्वर फर, जूनिपर, बर्च एंड रोडेंडरो। द ट्रीज प्रोग्रेसिवली बिकेम ट्विंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। तो भाई आप खुद सोचो क्या होंगे भाई, इसमें अल्पाइन ही होंगे, वेट टेम्परेट एवरग्रीन तो हो ही नहीं सकते भाई, ये पोलर रीजन पे आप चले गए। मोस्ट ट्रॉपिकल डिसीज वुड नॉट ट्राई टेम्परेट, नहीं तो अल्पाइन फॉरेस्ट इसका आंसर करेक्ट है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द समग्र शिक्षा स्कीम। इट इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th, ये बात बिल्कुल सही है। इट सबसम्स द थ्री स्कीम्स ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड द शगुन स्कीम। नो, इन्होंने इसको सबसम नहीं किया। द स्कीम एम्स टू सपोर्ट स्टेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन, आई मीन राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्रीज, जो ओशन वाटर की सैलिनिटी इंक्रीज करते हैं क्या क्या, एवेपोरेशन ऑफ ओशन वाटर, ये बात बिल्कुल सही है। जितना ओशन वाटर इवेपोरेट होएगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि वाटर कम होएगा ओशन लेटर वाटर ओशन में वाटर कम होएगा तो इसका मतलब सैलिनिटी बढ़ेगी। फॉर्मेशन ऑफ सी, ये बात बिल्कुल, जितना वाटर क्या है आइस की फॉर्म में चला जाएगा तो इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में कम हो गया तो इस वजह से सैलिनिटी बढ़ेगी। मेल्टिंग ऑफ, देखो एक बार बताओ, जब मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ेगी तो सी लेवल बढ़ेगा तो सैलिनिटी बल्कि कम होगी। प्रेसिपिटेशन, ये बात भी, अगर रेन आएगी या स्नो होगी तो क्या प्रेसिपिटेशन होगी तो हमारी सैलिनिटी कम होगी। इनफ्लक्स ऑफ फ्रेशर, ये बात भी देखो इससे भी क्या है कि जो हमारी सैलिनिटी है वो डिक्रीज होगी। तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड केस में स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड आर द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। रिसेंटली मुक्तोश्री वॉज सीन इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब अबाउट इट, अ वैरायटी ऑफ राइस रेजिस्टेंस टू आर्सेनिक, तो यही बात बिल्कुल सही है। जो मुक्तेश्री ही राइस की वैरायटी है जो कि आर्सेनिक से रेजिस्ट करता है। अ पावरफुल साइक्लोन इंडिया, नहीं भाई अ लोकल स्टॉर्म नहीं है, इसमें ना कोई लेक है, ये गलत है, ठीक है। जो हमने देखा ये राइस की वैरायटी है, ठीक है। अरेंज द डिसकंटिन्यूटीज फ्रॉम द इनर मोस्ट जोन टू द आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। लहमान डिसकंटिन्यूटी, गोटनबर्ग, मोहो रेप्टेटिव। तो भाई देखो लहमान सबसे नीचे आता है जो कि इनर कोर और आउटर के बीच में है, फिर आउटर कोर से मेंटल के बीच में गोटनबर्ग आता है, फिर उसमें मेंटल के दो बीच में भी मोहो रेपिटी आता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या आता है, रेपिट मोहो आता है। तो इसका 1, 2, 4, 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट सही है, बाकी भी डायग्राम देख सकते हो इसमें बनाया हुआ, जो मैंने आपको बताया वही है इसमें, ठीक है। अब जरा देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गांधी सागर डैम उत्तर प्रदेश, नहीं उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये एमपी में है। उकाई प्रोजेक्ट गुजरात, ये बात सही है। कैलाशमेन प्रोजेक्ट तेलंगाना, ये बात सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है, बाकी जो फर्स्ट है वो गलत है क्योंकि वो राजस्थान और एमपी दोनों में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कवर्ड अंडर द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2, टेटनस, मलेरिया, हेपेटाइटिस, सॉरी हेपेटाइटिस बी, लेप्रोसी। तो भाई टेटनस और हेपेटाइटिस है, मलेरिया और लेप्रोसी इसको में काउंट नहीं है। तो हम देख लेते हैं और कौन कौन से इसमें वैक्सीन कवर हैं। देखो एक जापानी इंसेफेलाइटिस भी है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी है, और साथ में आप देख सकते हो डाइफ्थीरिया, हुपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मिसल्स, मेनिंगटेंस, हेपेटाइटिस। तो ये कुछ डिजीजेज के वैक्सीन हैं जो कवर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, इन दिस प्रोसेस मीडियम इज नॉट नीडेड। देखो मीडियम नीडेड नहीं है तो आप समझ गए होंगे अभी तक। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मेनली बाय दिस प्रोसेस। तो भाई मीडियम जब नहीं जरूरत होती तो उस प्रोसेस को हम रेडिएशन ही बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन स्टॉर्म्स वर विटनेस अरेबियन सी में कौन सा था, वायु, महा, बुलबुल, फानी। देखो फानी और बुलबुल तो बे ऑफ बंगाल में आया था, बाकी वायु और महा अरेबियन सी में, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अम्बराबर टाइगर रिजर्व, इट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, नहीं भाई तेलंगाना में, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इंडिया द इट इज इंडियस लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, नहीं देखो लार्जेस्ट जो है वो उसमें है आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुना सागर टाइगर रिजर्व है, तो ये गलत है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, अभी पता होना चाहिए सेकंड लार्जेस्ट है। दिस टाइगर रिजर्व इज होम टू चेंज शेड्यूल ट्राइब, तो ये बात बिल्कुल सही। ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें, बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोड इज मोर देन दैट ऑफ द नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, ये बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द स्टेट हाईवे इन इंडिया, ये बात सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें, बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोडक्टिविटी इरीगेशन इज मीन टू प्रोवाइड सफिशियंट सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी, ये बात बिल्कुल सही है। कैनाल इरीगेशन कवर द लार्जेस्ट नेट इरीगेटेड एरियाज कंपेयर टू ट्यूबवेल, ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है। यूपी इज द हाईएस्ट इरीगेटेड स्टेट इन इंडिया इन एब्सोल्यूटम, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल बात सही है। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए परसेंट ऑफ जो एरिया की टर्म्स में पूछ रहे हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या जो ऑप्शन है वो डिफर हो सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइंडिंग्स ऑफ ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के द्वारा, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया से सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, यूएसए इज द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेंट, ये बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट होते हैं वो यूएसए में ही जाते हैं। चाइना इज द टॉप रेमिटेंस रिसिप्टेंस कंट्री इन द वर्ल्ड, नहीं इंडिया टॉप रेसिटेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही, थर्ड गलत हो गई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज हायर देन दैट पोल्स, ये बात बिल्कुल सही है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड इन ऑल द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, नहीं आपको मैंने कल भी बताया था जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहां पे ऐसा नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड मास इज लेस एट द कंपेयर टू द ओशन, ये बात बिल्कुल सही। आपको पता है जो लैंड मास जो मतलब कि एक तो ओशन के पास एरिया और जो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल में एरियाज होते हैं, जैसे आप दिल्ली मुंबई, दिल्ली ले लो और एक मुंबई ले लो, ठीक है। दिल्ली में क्या है, जब ठंड होती है तो वो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा कम गर्मी पड़ती है, ठीक है। पर मुंबई में इतना डिफरेंस नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो लैंड एरिया की कम होती है एज कम्पेयर टू एशियन एरिया की, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया इज रिच इन एंथ्रासाइट कोल रिजर्व एज कम्पेयर टू बिटुमिनस कोल, नहीं इंडिया के बाद बिटुमिनस कोल ज्यादा एज कम्पेयर टू एंथ्रासाइट कोल, तो ये स्टेटमेंट यही गलत होगी। झारिया कोल फील्ड इन छत्तीसगढ़ इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग माइन इन इंडिया, क्योंकि पहले बार झारिया है कोल प्रोड्यूसिंग माइन लार्जेस्ट, लेकिन वो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत होगी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्शियरी कोल इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोल इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू गोंडवान, ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी विटनेस ड्यूरिंग द, देखो एल नीनो ईयर आपको पता है एल नीनो ईयर में क्या होता है, ठीक है। रिवर्सल ऑफ द वॉकर सर्कुलेशन, ये बात बिल्कुल सही है। रिप्लेसमेंट ऑफ द पेरुवियन कोल्ड करंट बाय द वार्म करंट, ये भी बात सही है। डेवलपमेंट ऑफ द हाई प्रेशर ओवर पेरुवियन कोस्ट एंड लो प्रेशर ओवर द ऑस्ट्रेलियन, उल्टा हो गया ये, इन्होंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। पॉजिटिव साउथर्न ऑस्ट्रेलेशन नहीं नेगेटिव होती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट से बिल्कुल सही, थर्ड एंड फोर्थ क्या गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर नोन एज प्लांटेशन क्रॉप, कैशियो, कोकोवा, ऑयल पाम, एरिकानट, भैया देखो मेरे को चारों के चारों लग रहे हैं, तो चारों के चारों के प्लांटेशन क्रॉप बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द ब्लू वाटर फोर्स दैट इज द ऑफन मेंशन इन द न्यूज, अ नेवी हुज ऑपरेशन आर रिस्ट्रिक्टेड क्लोज टू द शोर वेयर द वाटर इज मडी, नो। अ नेवी दैट परफॉर्म्स डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशन क्लोज टू द शोर ऑफ कंट्री, नो। अ नेवी विच हैज द कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ ओवर अ मच बिगर मैरिटाइम एरिया देन इट्स मैरिटाइम बॉर्डर, तो गाइस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अ जॉइंट वाटर फोर्स क्रिएटेड बाय द इंडियन एंड अफ्रीकन नेशन टू चेक पायरेसी इन द इंडियन, तो आपको पता ना जो ब्लू वाटर फोर्स क्या है, वो नेवी है जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद को प्रोजेक्ट दे सकती है ओवर अ बिग मैरिटाइम एरिया देन इट्स मैरिटाइम बॉर्डर, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, द टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट इन नीलगिरी फॉरेस्ट आर कॉल्ड द शोर ऑफ फॉरेस्ट, ये बात बिल्कुल सही। हमने इससे मिलता जुलता सेम क्वेश्चन किया भी पहले टेस्ट सीरीज में। ड्यूडार इज अ डिजीडियस वैरायटी विच ग्रोज मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय, तो कोई डिजीडियस वैरायटी नहीं है, ये सेमी एवरग्रीन आती है। तो ओनली जो कौन सी स्टेटमेंट है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून इंडिया, इंटेंस लो प्रेशर ट्रफ इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये बिल्कुल सही है। रिप्लेसमेंट ऑफ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, नो गलत है। नॉर्थ वेस्ट शिफ्टिंग ऑफ द ITC जेट, ये बात सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। इंडिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया किस कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता भाई, पाकिस्तान के साथ भी करता है, अफगानिस्तान के साथ भी करता है, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, मैं सबके साथ तो करता है, किसके साथ नहीं करता भाई, नन ऑफ दीज का इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोलर एनर्जी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, नहीं भाई हाइड्रो है हमारी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द थर्मल एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज इंडिया इज मोर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं,
ऑपरेशन क्लीनर रिजल्टेड सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टॉप मेकिंग पेंटिंग ऑन एलिफेंट स्किन नो टू स्टॉप आर्टिस्ट फॉर मेकिंग इरोटिक पेंटिंग ऑफ डिटेल्स नो टू स्टॉप द ट्रेडिंग ऑफ ब्रशेज मेकअप ऑफ द होंग ये बात बिल्कुल सही है। ऑपरेशन क्लीनर का एम यही है कि जो हम ब्रशेज यूज़ करते हैं उनको मॉन्गस हेयर से ना बनाया जाए टू स्टॉप द ट्रेडिंग ऑफ पेंट मेडअप ऑफ एनिमल नहीं तो थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस वेयर द यूपी इज द हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया ये बात बिल्कुल सही है। द सीएसईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग एमएसपी ऑफ क्रॉप ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जरा देखते हैं डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर द रेडिएशन फ्रॉम सन इन द एटमोसफेयर ये बात बिल्कुल सही है। द डस्ट पार्टिकल्स आर इन द लार्ज नंबर्स इन द ड्राई डेजर्ट एटमोसफेयर एंड लोअर इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट तो ये बात भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों के दोनों करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अर्थ समर सोलस्टिस देखो अर्थ समर सोलस्टिस आपको पता है 21 जून को आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सोलस्टिस आर द रिजल्ट ऑफ द अर्थ एक्सल टिल्ट ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अर्थ का आपको पता है टिल्ट है हमारी 23.5 की वजह इस वजह से क्या है हमारे सोलस्टिस रहते हैं। द वर्टिकल नून इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बात बिल्कुल सही है। द इक्वेटर इज मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द टाइम ऑफ समर सोलस्टिस नहीं देखो इक्वेटर क्या है हर टाइम क्या उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है ये नहीं कि सिर्फ समर सोलस्टिस नहीं थ्रू आउट द ईयर्स को मिलता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फूड लॉस इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री विच इज नॉट ओरिएंटेड टू एनी पर्टिकुलर इन पर बिल्कुल सही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं भी ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ लेबर भाई लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल चाहिए लार्ज नंबर ऑफ लेबर नहीं चाहिए तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे में बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट लू आर द हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओवर द नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडियन पाकिस्तान ये बात बिल्कुल सही है। मिस्टर आर द कोल्ड ड्राई एंड हाई वेलोसिटी विंड दैट मूव टूवर्ड मेडिटेरेनियन ये बात बिल्कुल सही है। मिस्टर जो है कोल्ड विंड है ये आपको पता होना चाहिए तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट द गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट दिल्ली मुंबई बेंगलोर कोलकाता भाई देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटर दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता चार मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है स्टेटमेंट गलत होगी। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एम दैट कनेक्टिंग श्रीनगर विद कन्याकुमारी बात बिल्कुल सही है। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एम्स टू कनेक्ट सिलचार विद पोरबंदर ये भी सही तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल सही है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कोरोलिस इफेक्ट द कोरोलिस फोर्स हैज इंपैक्ट ऑन बोथ द विंड स्पीड एंड द विंड डायरेक्शन देखो विंड डायरेक्शन पे इफेक्ट करता है विंड स्पीड पे नहीं करता विंड स्पीड पे फेरिलस फोर्स करता है। कोरोलिस फोर्स इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर द ऑनकरेंस ऑफ साइक्लोन ये बात बिल्कुल सही है। साइक्लोन आने के लिए कोरोलिस फोर्स एक नेसेसरी कंडीशन है तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। विच अमंग द फॉलोइंग रेंजेस आर पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयस ठीक है। लेसर हिमालयस की बतानी है मिडल लेसर हिमालयस कुछ भी हम बोलते हैं हिमाचल भी बोलते हैं पीर पांचाली बिल्कुल से ढोलाधर भी है नागटीपा भी है मसूरी भी है मकालू जो हमारी ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं उनकी पीक है ठीक है। तो ये गलत है ठीक है। एक महाभारत और होती है पाँच होती है ठीक है तो फिफ्थ नहीं है बाकी चारों हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोट्स। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। ये बात बिल्कुल सही है। द परसेंटेज डेटाकल ग्रोथ ड्यूरिंग द 2001 to 2011 हैज रिकॉर्डेड द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन इंडिपेंडेंस आपको लगता है शार्पेस्ट डिक्लाइन होगा। द फीमेल पॉपुलेशन हैज रजिस्टर्ड अ हायर ग्रोथ रेट देन द मेल पॉपुलेशन इन द डिकेडल ये बात बिल्कुल सही है। 2001 to 2011 के बीच में के फीमेल पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी खासी बढ़ी है तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है ठीक है। एक सेकंड आई थिंक सेकंड भी सही है ठीक है सॉरी सेकंड सही है भाई ठीक है डिक्लाइन हुई है तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलेरू लेक जो कोलेरू लेक कहाँ है आंध्र प्रदेश में इट इज लोकेटेड बिटवीन द डेल्टाज ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु देखो तमिलनाडु में नहीं है सिर्फ आंध्र प्रदेश में तो सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी गलत हो गई ठीक है। एक सेकंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है गलत हो गई है। आगे बढ़ते हैं इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल ये बात बिल्कुल सही तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। इफ देयर वर अगर हिमालय नहीं होते तो हमारा इंपैक्ट क्या पड़ता ज्योग्राफिकल इंपैक्ट क्या होता मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम ये बात बिल्कुल सही है। अभी आपको पता जो हिमालय है हमारे वो कोल्ड वेव को क्या कर लेते हैं रोक लेते हैं ठीक है। इंडो मैग्नेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलिवल ये बात बिल्कुल सही है ठीक है। द पैटर्न ऑफ द मॉनसून वुड विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट विट ये बात बिल्कुल सही है। हमारा जो मॉनसून का अभी जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट होता है तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट महाराष्ट्र हैज बोथ ऑफशोर एंड द ऑनशोर एयर रिजर्व्स वेयर इज द राजस्थान हैज ओनली ऑनशोर ऑयल रिजर्व को महाराष्ट्र के पास सिर्फ ऑफशोर है जो कि बॉम्बे हाई है जबकि आंध्र प्रदेश के पास ऑफशोर और ऑनशोर दोनों हैं राजस्थान के पास सिर्फ ऑनशोर है ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि महाराष्ट्र के पास दोनों नहीं है। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द नेचुरल गैस लाइज इन द बॉम्बे हाई एंड बेसिन ऑयल फील्ड ये बात सही है ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ इंडियन प्लेन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इट ऑक्यूपाइज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इट इज ड्रेन बाय द घाघर, गंडक, कोसी। ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स कैप्ट ऑन शिफ्टिंग देयर कोर्सेज, मेकिंग दिस एरिया प्रोन टू फ्रीक्वेंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये एरिया कौन सा होगा। अपर गंगा प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा प्लेन्स, लोअर गंगा प्लेन्स, मिडल। देखो ये मिडल गंगा प्लेन्स ही है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जोन रिप्रेजेंटिंग रैपिड इंक्रीज ऑफ सी वाटर डेंसिटी विद इंक्रीजिंग डेप्थ इज नोन एज हेलोक्लाइन। देखो हेलोक्लाइन में क्या होता है, चेंज ऑफ वॉल्ट सैलिनिटी होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द जोन रिप्रेजेंटिंग रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट लाइकली टू फाइंड एनी मैंग्रोव। मतलब आपको यहाँ पर मैंग्रोव नहीं मिलेगा, कोवरी डेल्टा, सुंदरबन, अंडमान, निकोबार। तो भाई ये चारों तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा मैंग्रोव। आगे बढ़ते हैं, कोल बेल्ट मीथेन इन इंडिया कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो भाई तीनों के तीनों स्टेट में क्या आपको कोल बेल्ट मीथेन मिलेगा, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, सोलर गैसिंग, डीगैसिंग, डिफरेंशिएशन, फोल्ड। भाई डिफरेंशिएशन नहीं है, बाकी सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग लोकल विंड मिस्त्राल, सिरोको। गाइस ये आप पढ़ लेना, जो वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स होती हैं, चिनूक, फोइन, कौन सी वार्म विंड्स है। देखो मैंने आपको पहले जो मिस्त्राल है वो कोल्ड विंड है, उसके अलावा तीनों की तीनों विंड्स हैं क्या, वो वार्म विंड्स है। 2, 3 और 4 राइट आंसर है। विन विच ऑफ द दीज फॉलोइंग नेशन बाल्टिक सी को क्या बॉर्डर नहीं करते, सॉरी विच ऑफ दीज नोशंस बॉर्डर बाल्टिक सी को करते हैं, रशिया, जर्मनी, पोलैंड, बिलारस। देखो रशिया, जर्मनी, पोलैंड को करते हैं, बिलारस को नहीं करते। देखो आप वर्ल्ड मैप्स करोगे ना तो आपके जो दिमाग में अपने आप ही मैप्स रहेंगे, तो आपको पता होगा कि बिलारस नहीं करते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के इसमें बिल्कुल सही स्टेटमेंट। देखो आप देख भी सकते हो ये हमारा क्या है, बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी को किस तरह से कौन कौन कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा स्वीडन कर रहा है, ये जर्मनी भी कर रहा है, पोलैंड भी कर रहा है, ठीक है। बिलारस को इस तरफ पड़ गया, इसको लिथुनिया ने क्या कर लिया, मतलब कि जब पढ़ लिया, इस वजह से बिलारस को नहीं कर रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हेल्प्स इन चेकिंग द सॉइल इरोजन, मल्चिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन। भाई तीनों के तीनों क्या है इसमें सही है, तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बना रहा है, सिंध, चंबल, केन, बेटवा। तो गाइस हमने कल भी किया था ये, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, तो आपको पता होना चाहिए। दैट इज द 2, 1, 4, 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वट विल सिक्वेंस ऑफ द पासिस इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांस फ्रॉम सिक्किम टू जम्मू कश्मीर। भाई आप सिक्किम से अगर आपको जम्मू कश्मीर पर जाना, तो आप पहले किस हिसाब से जाओ, लिपू लेक, नथुला, शिपकिला, खरदुना। देखो पहले बातों को पता चाहिए कौन कौन स्टेट में। देखो नथुला है वो सिक्किम में खुद में, तो सबसे पहले सिक्किम में जाओगे, फिर आप उत्तराखंड जाओगे तो उत्तराखंड में लिपू लेक है, शिपकिला एचपी में है, खरदुंगला जम्मू कश्मीर में। तो आप किस हिसाब से जाओगे, 2, 1, 3, 4, ठीक है। 2, 1, 3, 4 क्या है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिशरीज आफ्टर चाइना। बात बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश टॉप द लिस्ट ऑफ द इनलैंड कैच फिशरीज, वेयर द गुजरात ऑक्यूपाइज टॉप मोस्ट इन द बेनाइन फिश। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर कॉजिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ द इंसुलेशन एट द अर्थ सर्विस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब कि इंसुलेशन जैसे आपके जो सन की रेज हमारे अर्थ पे आती हैं, तो किस फैक्टर्स की वजह से क्या उनमें वेरिएबिलिटी वेरी आ सकते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, ये बात बिल्कुल सही है। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, ये भी बात सही है। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये भी बात सही है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, तो चारों के चारों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ऑल द फोर फैक्टर्स क्या है इसकी राइट आंसर है। अमेजन बेसिन इन द साउथ अमेरिका स्प्रेड्स ओवर बीच ऑफ द दीज कंट्रीज, वेनेजुएला, ब्राजील, चाइल, अर्जेंटीना, बोलिविया। देखो गाइस चाइल्ड और अर्जेंटीना से होकर नहीं चलता, बाकी ये तीनों कंट्रीज को कवर करता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ क्या इसका करेक्ट आंसर है, जो आप देख भी सकते हो मैप में, ठीक है। ये हमारा साउथ अमेरिका का मैप है, देखो यहाँ चाइल्ड होता है, यहाँ एक मिनट, यहाँ चील है, ये अर्जेंटीनिया है, तो इनको नहीं करता। देखो ये अमेजन बेसिन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स इन अ ड्रेनेज सिस्टम, इंटरलॉकिंग पैटर्न, मिंडर्स, रिवर क्लिफ, रैपिड एंड वाटरफॉल। आपने बताया मिडिल कोर्स ऑफ रिवर सिस्टम का कौन सा फीचर है। देखो रैपिड एंड वाटरफॉल्स तो किसका सिस्टम है, हमारे यूथफुल स्टेज का, ठीक है। रिवर क्लिफ, ये बात बिल्कुल सही है। मिंडर्स भी बिल्कुल बात सही है, मिंडर्स भी किसका सिस्टम है, हमारा मिडिल कोर्स का। लेकिन इंटरलॉकिंग किसका है, इंटरक्लोजिंग हमारा यूथ का है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोरियल फॉरेस्ट, इट अकर्स एट हाई अल्टीट्यूड, ये बात बिल्कुल सही है। इट कवर्स अ थिन कवर ऑफ द एसिडिक सोइल दैट इज द पुअर इन न्यूट्रन, ये भी बात सही है। इट कंटेन्स कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑफ द रीजन सच एज नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्दर्न यूरोप, ये बात सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। द होर्न ऑफ अफ्रीका डिनोट्स द रीजन कंटेन द कंट्रीज, ये मैंने आपको शायद करंट अफेयर्स में डिस्कस करती रहती हूँ। होर्न ऑफ अफ्रीका में चार कंट्रीज होती हैं, जिबूटी, सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया, तो ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है।
कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू केरला बैंक. देखो गाइस ये करंट अफेयर्स में था समटाइम्स इन अंदर. इट इज द फर्स्ट एंड ओन्ड बैंक इन द कोऑपरेटिव सेक्टर. ये बात बिल्कुल सही. इट ऑल्सो एक्सेप्ट एनआईटी डिपॉजिट. ये बात बिल्कुल सही है. इट विल नॉट लिवाई अ फाइन फॉर कस्टमर फेलियर टू मेंटेन अ मिनिमम. तो ये बात भी सही है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गारो खासी जयंतिया हिल्स इन द मेघालय इज जियोलॉजिकली पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू. ये बात बिल्कुल सही है. जो गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं वो पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है. कई लोग इसे पूर्वांचल का पार्ट समझते हैं, तो भाई वो आप गलत हो. वेस्टर्न घाट सर आई हायर देन द ईस्टर्न घाट्स इन एलिवेशन. ये बात बिल्कुल सही है. जो वेस्टर्न घाट जो हाई है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट. द डेक्कन प्लेट्यू इन द हायर इज हायर इन द ईस्ट एंड स्लोप जेंटली वेस्टवर्ड. तो ये बात गलत है. ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है. लास्ट क्वेश्चन. ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेट. गुजरात मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश तीनों के तीनों में ब्लैक सॉइल मिलती है. तो कोई भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं है जिसमें ब्लैक सॉइल ना मिलती है. तो ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन ऑल द पब्लिक. तो गाइस यहाँ पे हमने फोर्थ टेस्ट भी कवर कर लिया है इनसाइट का. कल से हम रीजन के ज्योग्राफी के टेस्ट स्टार्ट करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना. तब तक ले बाय बाय टाटा.